लोकसभा चुनाव से पहले वर्षों का इंतजार खत्म हुआ और देश के अंदर राम मंदिर का उद्घाटन हुआ और देश भर में फिर एक नारा गूंजा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। बड़े से बड़े राजनीतिक द्वंद ने तो यह माना था कि इस बार उत्तर प्रदेश में भाजपा के आंधी को कोई नहीं रोक सकता और अयोध्या वासी तो भाजपा को हमेशा के लिए याद रखेंगे, लेकिन जब 45 दिन बाद चुनाव का परिणाम आया तो बड़े से बड़े राजनीतिक द्वंद का गणित ही उल्टा पड़ गया। नमस्कार, मेरा नाम है अभिषेक जाखल और आप देख रहे हैं आरजी टीवी 24। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या की, जहां गजब का खेला हो गया, जिसे फैजाबाद लोकसभा सीट कहते हैं, जहां भाजपा का जादू नहीं चला और राम मंदिर का मुद्दा नहीं चला। इसी सीट पर भाजपा ने लल्लू सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था तो वहीं पर इंडिया गठबंधन की तरफ से समाजवादी पार्टी ने अवधेश प्रसाद को प्रत्याशी बनाया था और इसी सपा प्रत्याशी ने भाजपा के गढ़ को ढहा दिया, क्योंकि फैजाबाद के अयोध्या से प्रधानमंत्री मोदी ने राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा करके भाजपा ने देश भर में एक नारा दिया था कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, लेकिन उत्तर प्रदेश के अयोध्या की जनता ने ही राम मंदिर के नारे को स्वीकार नहीं किया और भाजपा को नकार दिया। आपको बता दें, यहाँ फैजाबाद में 2014 से लगातार भाजपा जीतती आ रही है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा के बड़े बड़े नेताओं ने यहाँ चुनावी सभाएं की, उसके बावजूद ये फैजाबाद की अयोध्या सीट भाजपा अपने खाते में नहीं ला पाई। जिस नारे को लेकर भाजपा देश भर में निकली थी वो तो उत्तर प्रदेश की जनता ने भी स्वीकार नहीं किया और वहां पर भी सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को दे डाली। लेकिन इसी के साथ आपको बता दें, जिस तरीके से लोकसभा चुनाव के परिणाम आए हैं, इसके बाद एक बात तो तय हो गई है कि देश के अंदर धर्म की राजनीति पर वोट नहीं मिलेंगे, धर्म के नाम पर वोट नहीं मिलेंगे। अगर सत्ता में रहना है तो जनता के काम कराने होंगे, तभी तो देश की जनता ने ये जनादेश दिया है। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा कि देश के अंदर एनडीए की सरकार एक बार फिर बनेगी या फिर तोड़ मरोड़ कर इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि एनडीए के अंदर कुछ ऐसे दल भी हैं जो कभी कांग्रेस के साथ रहे हैं तो कभी भाजपा के साथ रहे, जैसे हमारे बिहार के नीतीश चाचा को ही देख लीजिए, वो कभी कांग्रेस के साथ रहे हैं तो कभी भाजपा के साथ। खैर, अब ये देखना दिलचस्प होगा क्योंकि फिलहाल नीतीश चाचा एनडीए के साथ हैं, लेकिन वो कभी भी पलटी मार सकते हैं, तभी तो देश की जनता कहती है नीतीश चाचा पलटीबाज हैं। खैर, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।